लग रहा है ना बेसन है, बेसन नहीं है इसमें, कुछ और है, सीक्रेट इंग्रेडिएंट बने रही है इस वीडियो में, और 101% इफेक्टिव है, नेचुरल है, कोई भी केमिकल नहीं डाला है और जेब पर बिल्कुल भारी नहीं है, अफोर्डेबल है, और सबसे बढ़िया बात पहली बार में जो आपकी टैनिंग है ना वो लाइक मैं डर डर के 50 बोल रही हूँ, 50-60% बट बहुत ज्यादा चली जाएगी, पूरी बॉडी पे आप यूज कर सकते हैं, नेक, कोनिया, नीज, गोडे बोलते हैं ना पंजाबी में, घुटने, कहीं पे भी ब्लैकनिंग या डार्कनिंग थोड़ी सी है, ये यूज करके देखिए, आई प्रॉमिस यू निराश नहीं होगे, और अगर ये बातें अच्छी लग रही हैं तो बने रहिए इस वीडियो में। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जेसुपर कौर। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक टैन रिमूवल मास्क, या यू नो स्क्रब भी बोल सकते हैं आप उसको, पैक भी बोल सकते हैं, बट इट्स वेरी 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 इफेक्टिव, 100% इफेक्टिव है, और एक बहुत ही मैंने यूनिक इंग्रेडिएंट इसमें यूज किया है। नॉर्मली बेसन यूज करते हैं क्योंकि गर्मियों में बेसन बहुत ही बढ़िया चीज, काम बढ़िया तरीके से काम आता है, क्योंकि हमारे बाल कह रही हूँ, हमारे स्किन से बहुत ज्यादा ऑयल सिक्रीट होता है, इवन ड्राई स्किन वाले हैं उनके भी स्किन से बहुत ज्यादा ऑयल सिक्रीट होता है, तो होता क्या है वो जो ऑयल है हमारे पोर्स में इकट्ठा होता रहता है, अगर हम स्क्रबिंग नहीं करते, एक्सफोलिएशन नहीं करते अपनी स्किन की, जो CTM रूटीन है जो मैंने अभी थोड़े दिन पहले भी शेयर करी थी, अगर हम वो स्किन केयर रूटीन फॉलो नहीं करते तो क्या होता है, वो जो ऑयल है वो हमारे यहाँ पर डेड स्किन की तरह वो सीबम इकट्ठा होता जाता है, और वो धीरे धीरे ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, पिंपल्स में कन्वर्ट होता जाता है, तो वो हमें साफ रखना बहुत जरूरी है, और ऊपर से जब हम सनरेज में बाहर तो हम जाते ही हैं, तो सनरेज की वजह से जो हमारी स्किन को डैमेज हो रहा है वो ऑफकोर्स सनस्क्रीन प्रोटेक्ट करता है, विच आई टोटली अग्री, बट थोड़ा सा जो हमारे अपर लेयर है वो डल हो जाती है, वो जो तेल है वो बैठता जाता है स्किन पे, एक डेड स्किन वाली लेयर, टैनिंग वाली लेयर आ जाती है, तो उसको उतारना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमें, मैंने पहले भी बहुत सारी टैन रिमूवल रेमेडीज शेयर करनी है जो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी, वो वीडियोस अगर नहीं देखे तो यू मस्ट चेक आउट, बिकॉज अगर मैंने एक चीज पे 5 रेमेडीज बताई हैं तो किसी पे कोई, किसी पे कोई बहुत जबरदस्त वर्क करती है, और आज तक की वो बहुत जबरदस्त वर्क करी है। अब मैं अपनी रिसर्च में दोस्तों जो भी मैं कोर्स कर रही हूँ आप लोगों को बताई है नेचुरोपैथी का, तो उसमें मुझे नई नई चीजें और बहुत अच्छी अच्छी चीजें पता चल रही हैं, जिसमें से एक है पपाया, विच इज पपीता। पपीता टैन रिमूवल में बहुत अच्छा है, इवन बायोटिक में पपाया टैन रिमूवल आता है। कुछ लोग हैं जो पैसा हम नहीं घर से छोड़ना मारगोली ऐसी, हम लोग स्क्रबिंग आटे से कर लेंगे, चीनी से कर लेंगे या नमक से कर लेंगे, तो मैं उन लोगों को भी बहुत प्यार करती हूँ क्योंकि मेरी भी कई बार ये थिंकिंग हो जाती है। तो मैं आज आप लोगों के लिए एक ऐसा DIY, बहुत लोगों को नहीं पता भैया, डू इट योरसेल्फ, मतलब आप कोई चीज खुद कर रहे हैं, आपने कोई मार्केट में देखी वो आप DIY कर रहे हो, मतलब डू इट योरसेल्फ, आप खुद ही कर रहे हो वो चीज, तो ये DIY फेस पैक, ये एक्चुअली बॉडी पे भी यूज कर सकते हैं, पपाया टैन रिमूवल है, ये बिल्कुल मार्केट जैसा बना है, इसलिए नहीं कि क्योंकि भैया अपन अपने प्रोडक्ट के लिए बोल रहे मुंबई वाली कहां से होगी मैं एकदम से, बट एनीवे मैं अपने ही पैक के लिए बोल रही हूँ, बट ऑफकोर्स आप खुद भी इसको बनाइए जिस तरीके से मैंने बनाया है, मेरे पे ट्रस्ट नहीं करते आप खुद ये बनाइए, और जब आपको बिफोर आफ्टर में फर्क दिखेगा आप पिक्चर्स भेजिए नीचे, कमेंट्स कीजिए, ताकि मेरे जो न्यू सब्सक्राइबर्स या न्यू व्यूअर्स हैं वो मेरे पे अगर यकीन ना करें, कहे चलना हम इसकी बात नहीं मान रही है तो अपना बोले ही अच्छा है, वो मेरी बातों में ना आए, वो नीचे जब आपका बिफोर आफ्टर आपके रिजल्ट अच्छे अच्छे सुनेंगे तो वो मजबूर हो जाए कि यस जेसुपर कौर के चैनल को तो हमने सब्सक्राइब करना ही करना है। एनीवे मैंने बहुत तारीफ कर ली, इसको यूज कैसे करना है, बिफोर आफ्टर प्रॉपर डेमो और कैसे बनाना है, बहुत आसान तरीका एंड एवरीथिंग अब हम शेयर करें, अभी ज्यादा बातें नहीं करते, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द DIY एंड द वीडियो एंड द डेमो एज़ वेल। तो दोस्तों सबसे पहला जो मेरा मेन मैजिक इंग्रेडिएंट है वो है ये भुने चने, जो हम अक्सर लाइक नमकीन के साथ खाते रहते हैं, और जैसे वो कहावत है ना, खाए चना रहे बना, उस तरह से इसका सत्तू भी बनता है। बेसिकली बेसन से ज़्यादा काम ये चने करते हैं, और आपको छिलके समेत लेने हैं, बहुत आराम से इजीली अवेलेबल है हर जगह, पॉपकॉर्न वगैरह की जो रेडी होती है उधर आराम से ये भुने चने मिलते हैं। ये मैंने छोटे वाले लिए हैं, आप बड़े वाले भी ले सकते हैं, उसको मैंने हाथ से ही पीस लिया है छिलके समेत अलॉन्ग विद दैट पील। ओके, आप चाहें तो यू नो काइंड ऑफ मिक्सी में भी पीस सकते हैं, दैट्स entirely up to you, but मुझे इस तरह से ये दरदरा बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जो इसके छिलके पिस जाते हैं ना वो थोड़ा एक्सफोलिएशन का काम करते हैं, सो दैट रियली वर्क। दूसरा एग्जॉटिक इंग्रेडिएंट मैं ले रही हूँ दोस्तों पपाया, पपीता बहुत मिल जाएगा आपको इस सीजन में, और मैं बिल्कुल ये जो पका हुआ पपीता होता है वैसा आप ले सकते हैं, नॉर्मल जो खाने वाला पपीता होता है, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, जो हम बाहर से महंगी महंगी पील्स करवाते हैं ना, केमिकल पील्स, वो क्या होता है स्किन की जो अपर डैमेज लेयर होती है ना, डेड लेयर, डेड स्किन लेयर, उसको हटाता है, तो पपीता इसमें बहुत अच्छा काम करता है। इसमें विटामिन ए और सी बहुत होता है, साथ में एक पैपिन नाम का
जो एक इंग्रेडिएंट होता है उससे क्या होता है, पीलिंग हो जाती है हमारी स्किन की, जो अपर डेड स्किन लेयर है ना वो पील हो जाती है. तो दैट इज़ वेरी वेरी गुड. अब मैंने इसमें 2 से 3 चम्मच वो चने का जो मैंने दरदरा पीसा है, साथ में दही, एंड आई एम सो सॉरी पीछे से अगर बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है, कंस्ट्रक्शन चल रही है, दही बहुत ही अच्छा काम करती है. तो दही, पपीता, और जब आप इस तरह से भुने चने पीस के डालेंगे, आप कुछ लोग पूछेंगे कि बेसन डाल सकते हैं, ऑफकोर्स डाल सकते हैं, बट आई वुड हाईली सजेस्ट ये बहुत अच्छा है. अब एक तरीका मैं आप लोगों को बता रही हूँ, दिस इज़ वन ऑफ द तरीका, वन ऑफ द वेज, इट्स अप टू यू. मेरा जो एक वीडियो था आप टाइप कीजिए जेसुपर कौर 3 मिनट फेशियल, वो इतना सक्सेसफुल हुआ है, इतना फ़र्क पड़ा लोगों को. वो 3 मिनट फेशियल सिर्फ 3 मिनट लगते हैं और बहुत आसानी से हो जाता है. तो आप टमाटर काट लें, विटामिन सी पपीते में ऑलरेडी है, तो टमाटर एक तरह से यू नो जस्ट टू जैज इट अप अ बिट कि हाँ थोड़ा हम स्टाइल मार के कर रहे हैं, थोड़ा मज़ा आ रहा है, हाथों से नहीं कर रहे. बट आई पर्सनली फील हाथों से, फिंगर्स से करना सबसे ज़्यादा बढ़िया रहता है. आप अपना वॉर्म्थ, पॉजिटिविटी जो है उससे जो है, वो सीक्रेट मूवी है ना, जैसे द सीक्रेट बुक भी है, तो मेरे हिसाब से वो पॉजिटिविटी बहुत मैटर करती है, वो आपके स्किन पे ज़रूर रिफ्लेक्ट करती है. तो आप हाथों से आप ज़रूर करिए, नहीं तो आप टमेटो से कर सकते हैं, विटामिन सी मिल जाएगा. ठीक है, अब इसको आप अच्छे से, जैसे मैं स्क्रब कर रही हूँ थोड़ी देर के लिए, अच्छे से मसाज करके, स्क्रब करके. अब क्योंकि ये बिल्कुल जेंटल एक्सफोलिएशन है और गर्मियों का टाइम है, चेहरे पे बहुत ऑयल आता है, तो आप ये रोज़ कर सकते हैं, नहीं तो एक दिन छोड़ के धूप से जब आएँ. मैंने और भी रेमेडीज़ वीडियोज़ शेयर कर रखे हैं कि जब आप धूप से आएँ तो क्या करना चाहिए इमीडिएटली, वो वीडियोज़ आप प्लीज़ सर्च कीजिए. एनीवे आप निखार देख सकते हैं, मतलब ये टैन रिमूव तो करेगा ही करेगा, साथ में आप एक ग्लो भी देख सकते हैं. तो दिस इज़ लाइक अ 2-in-1 थिंग. ये मिनी आपका पपाया फेशियल, मुझसे काफ़ी लोग बोल रहे थे एक फ्रूट फेशियल शेयर करूँ, सो दिस इज़ लाइक अ मिनी पपाया 1-step फेशियल. जो 3 मिनट मेरा मैंने फेशियल शेयर किया था, ये बिल्कुल उसी की तरह है. अमेजिंग रिजल्ट है आपके सामने, कोई यू नो देर इज़ नो कैमरा ट्रिक और एनी काइंड ऑफ चलाकी गोइंग ऑन. सो दिस इज़ अमेजिंग. आप इसको फ्रिज में एक हफ्ते के लिए स्टोर करके ये पैक बनाकर रख सकते हैं, एक हफ्ते लाइक 8-10 दिन के लिए आराम से चल जाएगा फ्रिज में, और नहीं तो फ्रेश बैच में बनाएं. अब मैं आपको एक बार ये फेस पर भी लगा कर दिखा रही हूँ, आप अभी बिफोर आफ्टर देखेंगे. एंड आई रियली रिक्वेस्ट यू गाइज टू डेफिनेटली यू नो आप ट्राई कीजिए अपने लिए. और इसमें मैंने पपाया बिल्कुल आप मैश कर सकते हैं, मिक्सी में पीस सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, नहीं तो मुझे ये थोड़ा दरदरा अच्छा लगता है. और इसके बाद मैं जेनरसली इसको लगा लूँगी, लाइक आप इसको लगाइए, और लगाने के बाद सिर्फ आप इसको 2 से 4 मिनट के लिए छोड़ दीजिए. हल्का सा जब थोड़ा सा ड्राई होना शुरू होगा, उसके बाद आप अपने हैंड से, अपनी फिंगर्स से इसको मसाज करना शुरू कर दीजिए. टमाटो ले सकते हैं, टमाटर का टुकड़ा आधा काट के, जैसे मैंने बताया, बट आई लव डूइंग इट. मैं फिंगर्स से ही करना पसंद करती हूँ, वॉर्म्थ जो है मेरा, मेरी स्किन में जाता है, माई स्किन फील्स गुड. एंड जो भी आप नोज़ के आसपास ब्लैक हेड्स वाला एरिया, एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, पिगमेंटेशन अगर है, फ्रेकल्स हैं, मेलाज्मा है, रोजेशिया है, सोराइसिस है, स्किन की कोई भी प्रॉब्लम है, सनबर्न तो ये ट्रीट कर रहा है, लेकिन स्किन की कोई भी एक्जिमा तक की प्रॉब्लम धीरे धीरे नेचुरल तरीके से ठीक हो जाएगी. जितने मर्जी पैसे पटने आप डॉक्टर के पास पट लो, बट जो फ़र्क नेचुरल होम रेमेडीज़ का है भाई, वो और कहीं नहीं है. एंड ऑब्वियसली थोड़ा सा स्लो है, बट काम करता है, ग्लो तो आपको उसी वक्त मिल जाता है. और धीरे धीरे जब आप इसको रिलीजियसली आप रोज़ कीजिए, एक दिन छोड़ के कीजिए, यार नेचुरल चीज़ें कुदरत ने यू नो बनाई इसलिए कि हम उसको यूज़ करें अपने ऊपर. जो आयुर्वेदा है हमारा, यही तो था यार सारा आयुर्वेदा, जो शहनाज हुसैन, बायोटिक, ये सब यही तो यूज़ करते हैं. तो आई होप आप लोगों को बिफोर आफ्टर दिख रहा है. इसके बाद मैं ये एक टोनर से, ये मैंने घर पे ही बनाया है, बहुत अच्छा टोनर है, बहुत जल्दी इसका वीडियो शेयर करूँगी. यू कैन सी द ग्लो. और बिल्कुल आप इसको पूरी बॉडी के लिए यूज़ कर सकते हैं, और टैन बिल्कुल आपका बहुत बढ़िया तरीके से रिमूव होगा. और मेरे पास और बोलने को नहीं है, तो लव यू ऑल, बाय. आई होप आप लोगों को आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा. लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिए भैया, उसमें कोई कंजूसी नहीं, फ्री का काम है, उतना तो कर दो, इतना तो सपोर्ट कर सकते हो. और इस तरह के वीडियोज देखना चाहते हो तो कमेंट, वही सब करना है. और मेरी हैशटैग JSuper फैमिली का हिस्सा बन जाइए. बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आ रही हूँ, ये वीडियोज़ में बैक टू बैक शूट कर रही हूँ, तो आई हैव नो क्लू कि कितनी इन्फॉर्मेशन अभी आपको देनी है या नहीं देनी है. और कुछ भी नहीं, नो कट नो एडिट वीडियोज़ आजकल ज़्यादा बना रही हूँ. कुछ बातें शेयर करनी है, पता नहीं शायद शेयर कर चुकी होंगी, क्योंकि ये वीडियो मैं शायद 4 दिन बाद पे शेड्यूल मानूंगी, पता नहीं यार क्या है, ये अंदर की बातें, बाद में बात करूंगी. तो ये ज़रूर बनाइएगा अपनी पिक्चर्स में, मुझे टैग कीजिएगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो करो भाई, कितनी बार बोलूँ, फेसबुक ट्विटर पर फॉलो कर लो, बट इंस्टाग्राम पर तो 100%,
मतलब अगर मेरी हैशटैग जेसुपर कौर फैमिली मेंबर हो तो इंस्टाग्राम पे jsuper.kaur पे आ जाओ, बहुत मस्ती करेंगे. नेक्स्ट वीडियो में तब तक ले बाय, लव यू ऑल. आज का बाय थोड़ा अजीब ही था, अलग ही था.